इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। लार्जर बेंच ने इमरान खान की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान 9 मुकदमात के अलावा किसी केस में मतलूब नहीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिल गया। तमाम खुफिया और एलानिया मुकदमात में जमानतें मंजूर। 17 मई तक इमरान खान को किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अलकादर ट्रस्ट केस में 2 हफ्ते के लिए अबूरी जमानत मिल गई। जिले शाह कत्ल केस में भी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की 10 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर। लाहौर पुलिस सब कप्तान को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। इमरान खान की रिहाई, नून लीग का भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाने का इंदिया। कायद नून लीग ने पार्टी क़यादत को टास्क सौंप दिया। लाहौर समेत अहम शहरों में जलसे होंगे। मरियम नवाज अवामी एहतजाज की क़यादत करेंगी। महकमा दाखिला पंजाब ने दफा 144 में मजीद तौसी कर दी। जलसे और जुलूसों पर पाबंदी आए। 4 या 4 से ज्यादा अफराद भी इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। लाहौर समेत मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई। पीटीए के मुताबिक वजारत दाखिला की हिदायत पर इंटरनेट सर्विस बहाल की। सर्विस 4 रोज कबल अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र बंद की गई थी। महंगाई का सुनामी अवाम की जेबों में छेद कर गया। ब्रायलर गोश्त 15 रुपये फी किलो महंगा। मुर्गी का गोश्त 617 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगा। सरकारी रेट लिस्ट में 8 सब्जियां मजीद महंगी। सेब, केला, अनार, अंगूर भी गरीब की पहुंच से दूर। बच्चों की मौजें खत्म, तालीमी सरगर्मियां शुरू। तमाम सरकारी स्कूल खुल गए। स्कूलों में बच्चों की तादाद न होने के बराबर। सरकारी और बेशतर निजी जामियात हफ्तावार छुट्टी के बायस बंद हैं। और सूरज आबोताब के साथ चमकने लगा। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड, रिकॉर्ड 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। अस्सलाम वालेकुम, लाहौर के साथ मैं हूं हुमैरा असलम। और मैं हूं सैयद अहमद। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करें। और आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, मंगल को शुरू होने वाले सियासी ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तमाम मुकदमात में जमानत और आइंदा गिरफ्तार ना किए जाने के अहकाम मिलने के बाद इमरान खान इस्लामाबाद पुलिस की सिक्योरिटी में जवान पाक पहुँच गए। कारकुनान ने अपने कायद का पुरतपाक इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। इस मौके पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, मंगल को शुरू होने वाले सियासी ड्रामे का ड्रॉप सीन हो चुका है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से तमाम मुकदमात में जमानत और आइंदा गिरफ्तार ना किए जाने के अहकामात मिलने के बाद इमरान खान इस्लामाबाद पुलिस की सिक्योरिटी में जमान पार पहुँच गए हैं। कारकुनान ने अपने कायद का पुरतपाक इस्तकबाल किया है। फूलों की पत्तियां निछावर की गई और इस मौका पर आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया है। जी बिल्कुल, आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तमाम मुकदमात में जमानत और आइंदा गिरफ्तार ना किए जाने के अहकाम मिलने के बाद इमरान खान इस्लामाबाद पुलिस की सिक्योरिटी में जमान पाक पहुँच गए हैं। कारकुनान ने अपने कायद का पुरतपाक इस्तकबाल किया जबकि फूलों की पत्तियाँ भी निछावर की गईं। पंजाब हुकूमत का जिना हाउस, अस्करी और सिविल तनसीबात में तोड़फोड़ और जलाव घराव के अफसोसनाक वाकयात की तहकीकात के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का फैसला किया गया है। जीआईटी वाकयात की तहकीकात करके जामे रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का तमाम शरपसंदों को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए कार्रवाइयाँ मजीद तेज़ करने का हुक्म दिया गया है। पंजाब हुकूमत का जिना हाउस, अस्करी और सिविल तनसीबात में तोड़फोड़ और जलाव घिराव के अफसोसनाक वाकयात की तहकीकात के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का फैसला किया गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे इब्राहिम लकी से। जी इब्राहिम, बताइए, कार्रवाइयाँ अभी तक शुरू कर दी गई हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी आज सुबह सेफ सिटीज अथॉरिटी के ऑफिस में गए, जहाँ पर उन्होंने एक आला सतह इजलास जो है
वो मुनक़द किया जिसमें आईजी पंजाब चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत मुख्तलिफ हुकाम मौजूद थे। इस अहम इजलास में इस बात का फैसला किया गया कि पंजाब हुकूमत तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानब से जना हाउस अस्करी व सिविल तनसीबात में तौर फोर और जिला ग्रो के अफसोसनाक वाक्य के तहकीकात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो बनाएगी, जिसमें जो है मुख्तलिफ जो है इंटेलिजेंस एजेंसियों के जो है अफसरान भी मौजूद होंगे, ताकि तहकीक ताकि वाक्य की एक जामिया तहकीकात करके एक रिपोर्ट वो हुकूमत को पेश की जाए, ताकि तमाम शरपसंदों को कानून के गिरफ्त में लाने के लिए जो है मजीद जो है कार्रवाइयाँ तेज की जाए। इस हवाले से जो है तोड़फोड़ करने वाले तमाम मकामात की जियो फेंसिंग भी कराई जाएगी। इसके अलावा जो है विधान पंजाब का कहना था कि शरपसंदों के खिलाफ तमाम केसेस ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चलाए जाएंगे। महकमा पब्लिक प्रोसिक्यूशन को भी तमाम केसों का फुल ट्रायल यकीनी बनाने की जो है वो हदायत जो है वो की जाएगी। विधान पंजाब का कहना था कि किसी गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं और किसी बेगुनाह को जो है वो अरेस्ट नहीं करेंगे। शवाहद और सबूतों की बुनियाद पर शरपसंदों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। उनका कहना था कि जना हाउस अस्करी सिविल व सिविल निजी मिलाक पर हमला करने वाले अनासर इबरतनाक सजा से नहीं बच सकेंगे। इसके अलावा जो है इजलास में फैसला किया गया कि इंशाल्लाह 15 मई को तमाम तालीमी इदारे जो है वो दोबारा खोल दिए जाएंगे। सूरत में उनका कहना था कि बेहतरी आ रही है, आवाम के जानो माल के तहफ़ को यकीनी बनाने के लिए जो है इकदाम जो है उनको यकीनी बनाया जा रहा है। मुतलका इदारे अमन अमान की सूरत के लिए जो है आपस में कोऑर्डिनेशन जो है वो जारी रखें। इसके अलावा जो है उनका कहना था कि शरपसंद अनासर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पूरी फोर्स अलर्ट है। तो ये जो है आज का एक फ्रेश जो है पंजाब हुकूमत का एक एक्शन था, जिसके तहत उन्होंने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो बनाने का फैसला किया है। इसके अलावा गुज़श्ता रोज जो है हुकूमत ने जो है एक गुड जस्टर दिया है, जिसमें पंजाब हुकूमत ने लिबर्टी चौक से गिरफ्तार एक खातून और उनकी दो बेटियों को जो है रहा किया है, क्योंकि खातून तैयबा इब्रार का इब्रार के जो शोहर शोहर है इब्रार सैयद वो इंतकाल जो है वो कर गए थे। लिहाजा जो है हुकूमत ने उनको खातून और उनकी बेटियों को गुज़श्ता रात रिहा कर दिया, ताकि वो उनके जनाजे वगैरह में शिरकत कर सके। जी ठीक है इब्राहिम, ये बताइएगा कि जैसा कि आपने बताया कि इलाके की जियो फेंसिंग वगैरह भी की जाएगी, तो इस दौरान जो पुरअमन मुजाहरीन थे जिन्होंने किसी किस्म की तोड़ फोड़ में हिस्सा नहीं लिया, उनको किस तरह डिफ्रेंशिएट किया जाएगा उनसे जिन्होंने तोड़ फोड़ की या जो है वो अमन खराब किया? जी बिल्कुल, जियो फेंसिंग में जो है बुनियादी तौर पर जो जियो फेंसिंग है उसमें उसका तरीकाकार ये होता है कि जो है ना मुख्तलिफ जो इलाके जो अफेक्टेड एरिया थे तोड़फोड़ के हवाले से, वहाँ पर जो है जिन जिन लोगों के ऑडियो टेप्स ऑडियो ऑडियो जो रिकॉर्ड है जो कॉलिंग रिकॉर्ड है कि वो लोग किन किन जो है ना पार्टी रहनुमाओं से और दिगर किन लोगों के साथ रबते में थे और उनके रिपीटेड कॉल्स हैं या उनकी तवील कॉल्स हैं, जिसका बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि भी यहाँ हसास अदारों को या सरकारी और दीगर जो निजी मिलाक हैं इनको इनको तोड़फोड़ के लिए जो हदायत की जाए उनको।